नमस्ते दोस्तों, स्वागत है तड़का की ओर से आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस डे हो या फिर रिपब्लिक डे, दोनों ही मौकों पर देश का हर व्यक्ति देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ नजर आता है। कपड़ों से लेकर खाने तक में तिरंगे की खुशबू और रंग दिखाई देते हैं। 15 अगस्त के इस खास मौके को और भी खास बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पनीर तिरंगा। ये रेसिपी खाने में तो बेहद स्वादिष्ट है ही, साथ ही साथ अपने तीन रंगों की वजह से आज़ादी के जश्न को और भी खास बनाएगी। तो बिना वक्त गवाए आइए फटाफट देखते हैं ये रेसिपी कैसे बनाई जाती है। यदि अभी तक आपने स्वाद का तड़का को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, इस डिश का मेन इंग्रेडिएंट पनीर है। यहाँ पे मैंने आधा किलो पनीर लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ का पनीर क्यूब लिया है, क्योंकि इसे हमें प्रॉपरली कट करके शेप देना है। इसलिए इस बात का आप खास ध्यान रखें कि इस रेसिपी में हम पनीर के छोटे छोटे टुकड़े या अनइवन पनीर यूज़ नहीं कर सकते। और हमें लगेगा दो मीडियम साइज़ के ओनियन, एक टमाटर, 6 से 7 लहसुन की कली, 1/2 इंच अदरक, 2 हरी मिर्ची, कोरिएंडर लीफ, चीज़ क्यूब, हरा और नारंगी कलर का फूड कलर, बटर, 8 से 10 काजू। मसालों में हम ले रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, 2 लौंग और 7 से 8 काली मिर्च, कसूरी मेथी, खड़े जीरे, तेजपान, सिनेमन और एक बड़ी इलायची। तो सबसे पहले हम पनीर की ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल और ऑयल को गरम कर लेंगे। और ऑयल जैसे ही गरम होगा हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, काली मिर्च और लौंग, तेजपान, सिनेमन और बड़ी इलायची। और इन सभी खड़े मसालों को हम सिम फ्लेम पर कुछ सेकंड सेकेंगे। और जैसे ही मसालों में से खुशबू आने लगे हम इसमें डाल देंगे ओनियन, जिसे मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। और ओनियन को भी हम 1/2 कुक होने तक सेकेंगे। और जैसे ही प्याज में हल्का गोल्डन कलर आने लगे हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, और इन सारी चीज़ों को हम सिम फ्लेम पर अच्छे से सेकेंगे। और लगभग सभी चीज़ें जब सेक जाएं तब हम इसमें ऐड करेंगे काजू, और काजुओं को भी 2 से 3 सेकेंड सेक लेंगे। जब सभी चीज़ें अच्छे से सेक जाएं तो गैस बंद कर दें और मसाले को ठंडा कर लें। और जब मसाले ठंडे हो जाएं तो इन्हें ग्राइंडर जार में डाल दें और इसका स्मूथ पेस्ट तैयार करें। बिल्कुल ऐसा। अब वापस से हम पैन गैस पर रखेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और लगभग उतना ही बटर। दोनों चीज़ों को अब गर्म कर लेंगे। ऑयल और बटर जैसे ही गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे मसाला जो हमने तैयार किया है। और मसाले को सिम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करें। करीब 3 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मसाले का कलर भी चेंज हो गया है और ऑयल भी छोड़ने लगा है, यानी कि मसाला अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर प्यूरे और टमाटर को भी सिम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करें। जब टमाटर भी अच्छे से सिक जाए और ऑयल छोड़ने लगे तब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच कोरिएंडर पाउडर, स्वाद अनुसार कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और इन सारे मसालों को भी कुछ सेकंड अच्छे से रोस्ट करेंगे। जब मसाले अच्छे से सिक जाएं, तब इसमें डालें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा पानी।
और अच्छे से मिला लें और कवर करके सिम फ्लेम पर ग्रेवी को 2 से 3 मिनट बॉईल होने दें। ग्रेवी रेडी हो चुकी है, तो चलिए अब हम ट्राइकलर पनीर तैयार करते हैं। सबसे पहले हम पनीर की स्टफिंग रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम पनीर और लगभग उतना ही चीज़ क्यूब लिया है। अब हम इन दोनों को ग्रेट कर लेंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर और थोड़ा सा नमक, क्योंकि चीज़ में ऑलरेडी नमक रहता है, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर और चीज़ जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसके 2 पोर्शन करेंगे। एक पोर्शन में डालेंगे सेफ्रॉन और एक में डालेंगे ग्रीन कलर और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। स्टफिंग रेडी हो चुकी है, तो चलिए अब हम पनीर की कटिंग करते हैं। पनीर के हम पतली पतली स्लाइस कट करेंगे। यहाँ पर मैंने पनीर की 3 स्लाइसेस कट की है। अब हम पहली स्लाइस में ऑरेंज कलर की स्टफिंग भरेंगे और इसे सभी साइड अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अच्छे से फैलाने के बाद इसके ऊपर हम पनीर की दूसरी स्लाइस रखेंगे और फिर इसके ऊपर ग्रीन कलर की स्टफिंग फैलाएंगे और फाइनली हम इसके ऊपर रख देंगे पनीर की एक और स्लाइस। फिर इसको हम इक्वल 4 पोर्शन में कट करेंगे, बिल्कुल ऐसा। अब एक पैन में थोड़ा सा बटर या ऑयल डालें और फिर पनीर को धीरे से तवे पे रख दें। सिम फ्लेम पे पनीर को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सेक लें और पलटते टाइम इसे आप ध्यान से पलटें। ध्यान रहे पनीर को पलटते टाइम पनीर टूटे ना। पनीर दोनों साइड से अच्छे से सिक चुका है और रेडी हो गया है। धीरे से अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। पनीर भी रेडी है और ग्रेवी भी रेडी है। चलिए तो तिरंगा पनीर की अब हम प्लेटिंग करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये ट्राइकलर रेसिपी, हमें कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि स्वाद का तड़का का आनंद सभी उठा सके। तो जल्द मिलते हैं स्वाद के एक और नए तड़के के साथ। तब तक कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग योर फेवरेट चैनल स्वाद का तड़का। बाय बाय एंड थैंक यू।